हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम इज द फोर वाइज मैन। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ फोर वाइज मैन। देयर वर फोर फ्रेंड्स। देयर नेम्स वर मोहन, सोहन, रोहन एंड राजू। वन डे दे डिसाइड टू गो टू उज्जैन फॉर फाइंडिंग द जॉब इन द किंग्स पैलेस। ऑन द वे दे वर टॉकिंग अबाउट उज्जैन्स किंग। यहाँ पे फोर फ्रेंड्स हैं जो जिनके नेम हैं मोहन, सोहन, रोहन एंड राजू। वन डे वो डिसाइड करते हैं उज्जैन के राजा कि यहाँ जॉब के लिए जाने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में उज्जैन के राजा के बारे में बातें करते हैं। वन ऑफ देम सेड, लुक, अ कैमल हैज़ ट्रेवल ऑन दिस रोड बिफोर अस। आई कैन टेल समथिंग अबाउट इट। All friends noticed different thing about camel. जब वो on the way होते हैं तो उनमें से किसी एक को camel के footprint दिखते हैं और वो कहता है कि देखो हमसे पहले यहाँ से कोई camel गुजरा है जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो जब सभी फ्रेंड फुटप्रिंट देखते हैं तो सभी को एक ना एक अलग चीज़ नोटिस होती है। ऑन द वे दे मेट अ मर्चेंट हु वॉज लुकिंग वेरी अपसेट। वन ऑफ द फ्रेंड आस्क्ड हिम, सर टेल अस व्हाट हैपन। Hanging down his head, the merchant said, I have lost my camel. I can't find it. I am very sad. फिर आगे रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं तो उन्हें एक merchant means व्यापारी मिलता है जो कि बड़ा upset होता है। उनमें से एक friend जाकर उससे पूछता है, सर आपको क्या हुआ। तभी मर्चेंट बताता है कि उसका कैमल खो गया है जो उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बहुत सैड है। ऑल द फ्रेंड्स टोल्ड समथिंग वेरी ट्रू अबाउट कैमल। द मर्चेंट आस्क, हैव यू सीन माय कैमल माय फ्रेंड्स। बट ऑल फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड। तभी चारों फ्रेंड कुछ ना कुछ सही बात कैमल के बारे में बताते हैं। देन मर्चेंट पूछता है कि क्या आपने मेरा कैमल देखा है। बट सभी मना कर देते हैं, नहीं हमने नहीं देखा। द मर्चेंट सेड, यू फोर आर लाइंग, यू नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल। आई एम श्योर You are highway robbers. You have stolen my camel. Then merchant बोलता है, तुम चारों झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम चारों को ही कोई ना कोई बात मेरे कैमल की हर एक चीज़ पता है। तो मुझे लगता है कि तुम हाईवे रॉबर्स हो, मीन्स डकैत हो। तो और तुम ही ने मेरा कैमल चुराया है। ऑल फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड। दे वांट टू एक्सप्लेन हिम बट द मर्चेंट वॉज नॉट रेडी टू लिसन फोर ऑफ देम। अब सभी फ्रेंड बड़े सरप्राइज हुए। वो बताना उस मर्चेंट को सही तरीके से बताना चाहते थे कि उन्होंने उसको चोरी नहीं किया है बल्कि उन्होंने फुटप्रिंट के थ्रू कुछ ना कुछ आइडिया लगाया था।
लेकिन मर्चेंट उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। द मर्चेंट टुक देम टू द किंग ऑफ उज्जैन व्हेन दे वर प्रेजेंटेड बिफोर द किंग। देन मर्चेंट उन चारों को उज्जैन के राजा के पास ले जाता है, जहाँ राजा प्रेजेंट होते हैं पहले से ही। द मर्चेंट सेड, योर मैजेस्टी, दे हैव स्टोलन माई कैमल, दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल एंड आर नॉट रिटर्निंग टू मी। देन मर्चेंट किंग से कहता है, महाराज, इन चारों ने मेरा कैमल चुराया है, बट इनमें से कोई भी, क्योंकि इन सभी लोग कोई ना कोई बात इसके बारे में जानते हैं, बट कोई भी लौटा नहीं रहा है। द किंग आस्क्ड, सो यंग मैन, व्हाट डू यू हैव, से द फोर फ्रेंड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कैमल वन बाई वन, इन व्हाट वे दे हैव कम टू नो अबाउट द कैमल। द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दीज फोर मैन। देन किंग उन चारों फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है। तो चारों फ्रेंड अपने जो कैमल की कंडीशन उन्होंने नोटिस की थी वन बाई वन करके राजा के सामने बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कैमल के बारे में जाना। देन उनकी बात सुनकर किंग जो होता है सेटिस्फाई हो जाता है उनके आंसर से। द किंग आस्क्ड द मर्चेंट, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर आंसर और नॉट। द मर्चेंट सेड, यस योर मैजेस्टी, दे आर सर्टेनली वेरी वाइज मैन एंड नॉट रॉबर्स। देन राजा मर्चेंट से पूछता है कि क्या तुम इनके आंसर से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। देन मर्चेंट आंसर देता है, यस दे आर, ये चारों ही बहुत वाइज मैन हैं और नॉट रॉबर्स, रॉबर्स नहीं हैं। द मर्चेंट वेंट अवे फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ हिज कैमल। देन मर्चेंट अपने कैमल की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद देयर विजडम एंड अपॉइंटेड देम एज हिज मिनिस्टर्स। राजा खुश उन चारों से खुश होकर, उनकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर उन्हें अपना मंत्री अपॉइंट कर लेता है। द फोर मेन वर प्लीज्ड विद दिस ऑनर, और चारों को बड़े ही सम्मान से, बड़ा सम्मान दिया जाता है इस बात के लिए कि वो बहुत वाइज है। सो नाउ